तो हेलो एंड व्हाट्सअप भाई, स्वागत हम लोग दोबारा से फिर एक बार खेले जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस यार आपको लास्ट टाइम का याद होगा कि हम लोगों ने एक शोरूम लिया था एक बंदे का, और भाई फिर हम लोग को शोरूम ले लिया, लेकिन भाई इसमें कान रखने के लिए हम लोग इतने पैसे नहीं थे। तो गाइस आज हम लोग दिन में दो ही काम करेंगे, पहला तो पैसे कमाएंगे भाई माते मद्रास से चलिए, और दूसरा भाई आज की कि आज अपने शोरूम में तगड़ी से तगड़ी लग्जरी से लग्जरी कार रखेंगे। आज की आज मूवी तगड़ी से काफी आना तगड़ी कार रखेंगे। तो मैं ना माता मद्रासा के पास जा रहा हूँ, उसने हमें बुलाया और उसने बोला एक खतरनाक सा काम है, धुआं तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दे दूंगा। तो भाई से जल्दी से अपनी बाइक को भागते हुए चलते हैं माता मद्रासा के घर पे, और राइट रेस अपनी गाड़ी को भाग हुआ थे माता मद्रासा घर पे, उसमें यहाँ से हल्का सा लेना है लेफ्ट, भाई सामने की तरफ आ जाएगा माता मद्रासा का घर। भाई काम में चली रही थी यार ये, वही सामने की तरफ ही माता मद्रास सुबह बैठा, तो जल्दी से अपनी कार को भगाते हैं माता मद्रास के घर पे, और मैंने ड्राइवर को ही फोन करके बुला लिया क्योंकि ड्राइवर का भी काम, उसने बोला कि एक बंदा और लगेगा उस काम के लिए, तो ड्राइवर को ही मैंने फोन करके बुला लिया है। तो यहाँ पे राइट साइड पे माता मद्रास सुबह घर आ चुका है, वो बच हुई भाई, मैंने इसका बूट टूटता है माता मद्रास सुबह वो गया उस पर, तो मैं अपनी बाइक पर यहाँ पर इसकी साइड ना पार्क करवाता हूँ, इसके भाई बंदी से बात करते हैं जाने के लिए, और मैं ड्राइवर का भी यार वेट कर लेता हूँ, ड्राइवर जब तक आ रहा है तब तक यहाँ पे वेट करते हैं। ओके राइट, ड्राइवर भी यहाँ पे आ चुका है, अब जल्दी से ड्राइवर से बोल दे कि माता मद्रासू के पास यार हम लोग के लिए कोई काम है, उसके बदले वो हमें पैसे भी देगा। ओके तो माइगर ड्राइवर को सारा बात बता रहा है जितनी भी प्लानिंग है। ओके तो ये शायद माता मद्रास की वाइफ है साइज से, वो ठहर वाई से कुछ ज्यादा पिघल गया माइकल वही स्माइल पर लिखी थी। ओके भाई तो माता मद्रासू घर पे है, जल्दी से भाई चलते हैं अंदर। और राइट भाई सो ये रहा सामने की तरफ माता मद्रासू, और भाई से जल्दी से पूछे भाई कोई काम हो जिस काम के लिए इसने मैं बुलाया था। ओके तो हम लोग से बैठने के लिए तो जल्दी से यार बैठते हैं ठीक है। तो इसने ड्राइवर की बात में बता दिया हम लोगों ने सारी बात के, ड्राइवर हमारा यार दोस्त ही है, मार्टिन इस वक्त ना काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि भाई मार्टिन पूछ रहा है माइकल से कि तुम्हारे पास अभी तुम अभी क्यों इतने परेशान हो, तो माइकल बता रहा है कि हमें वह पैसे नहीं है, मुझे मेरे शोरूम के काफी अंदर पैसे चाहिए। तो मार्टिन बोल रहा है कि मेरा एक काम उसे तुम कर दो, उसके बदले वो तुम्हें पैसे दे देगा। मार्टिन की कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक बंदा लेके जा रहा है बाई प्लेन, एक बंदा वो डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है। तो मार्टिन बोल रहा है तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दे दूंगा, भाई गड्डी है मार्बल के पैसे दे देगा ये। तो ये मुझे उस बंदी पहले तुम्हें फोटो दिखा रहा है ये बंदा मार्टिन मद्रास उस बंदी की। ओके तो ट्रेवल से कुछ प्रॉब्लम है इससे, वो तो ये रहा वो बंदा इसकी भाई माता मद्रास से बात कर रहा है, हम देखो ना इस बंदे को मानना है ठीक है। ये बाय प्लेन की बंदा जा रहा है लॉस सैंटोस छोड़ के, और उसके पास में माता मद्रास के कुछ पेपर से, जो पेपर अगर गवर्नमेंट के हाथ लग गया तो माता मद्रास का पूरा करियर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, सीधा उसे जेल में सड़ना हुआ। तो बस हम लोग को उसके पेपर लाने, उसके बदले वो हमें काफी भयंकर और काफी दबा के पैसे देने वाला है, जिसकी वजह से भाई हम लोग अपना काफी हद तक बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं भाई, पहले तो करते हैं स्मार्ट का, और भाई अपने वाइफ पे चिल्ला रहा है। ओके तो यहाँ से मैं तो जाने वाला हूँ भाई ऑब्जर्वेटरी पर, ट्रेवर को यार सामने पे निकाल दूंगा, ट्रेवर ना एक बाइक कंटेम पर जा रहा है क्योंकि इस प्लान में ना बाइक भी एक लगेगी, तो ट्रेवर तो उस बाइक कंटेम करेगा और मैं जाता हूँ भाई सीधा ऑब्जर्वेटरी पर, मेरी सामने तरफ सी पे बाइक पर की, तो जल्दी से बैठते अपनी बाइक पे और निकलते ऑब्जर्वेटरी के लिए। ट्रेवर तुम यहाँ से निकल ले बाइक लेके आ जाओ वहाँ से। ओके तो भाई ट्रेवर तुम यहाँ से जाएगा बाइक लेने के लिए, किधर पे आ रहा है इस साइड, मेरी साइड आ रहा, पूछा मेरे साथ चल गया, अब यार मेरे साथ चलना तो तेरे साथ आ रहा है। ओके तो यहाँ से लॉस एंजेलिस निकल लेगा बाइक लेने के लिए, तो हम लोग इसका वेट नहीं करते, जल्दी से बाहर आते अपनी बाइक को। और गाइस हम लोग ऑब्जर्वेटरी पे, तो आज के बाद हम लोग को सामने की तरफ पे ही जाना है और सामने से लेफ्ट लेना है हल्का सा। ओके तो यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा लेफ्ट और जल्दी से अपनी बाइक करता हूँ मैं, पहले तो यहाँ साइड में ही पार्किंग है यहाँ पे पार्क, और भाई करते हैं अपने प्रेस मिशन को बिगेन। ओके यहाँ पे रखते हैं अपनी बाइक को। ओके सामने की तरफ पे एक बैन है मार्क बोल रहा है, उस बैन में हम लोग को जाना है, जब में कोई वेपन लगा हुआ है, वेपन की वजह से हम लोग को प्लेन को शूट करना है, तो जल्दी से बैठते हैं इस बैन में। ओके गाइस काफी तगड़ी स्नाइपर लगी हुई है इस बैन में, अब मुझे ऐसा ऐसा कमांड मिलेगा, मुझे वैसे करना है, प्लेन आएगा मुझे पूरा शूट करना है इस स्नाइपर के जरिए। ओके सामने में प्लेन आ चुका है, और भाई यार ये एकदम तगड़ा लगाना है, मुझे कुछ ही चांस है पहले बुलेट। ओके भाई ये बुलेट पर गया जी काम से, अब मैं दो बुलेट एक साथ चलाने की कोशिश करूंगा। ओके ओके भाई साहब दोनों बुलेट, तीन बुलेट में प्लेन का सीधा इंजन डाउन कर दिया। ओके राइट वाला उसका इंजन डाउन क्योंकि काफी स्पीड है भाई, हमारी तरफ बढ़ रहा है प्लेन। ओके तो लगता है प्लेन अभी भी क्रैश होगा। ओ भाई तो ट्रेवर्स बाइक कंधे में भरने गया था ठीक है, मतलब प्लेन जो भी अभी सब चल रहा है सब एकदम प्लेन के हिसाब से सब सही चल रहा है, बस ये प्लेन भाई लैंड कहीं पर भी गिर गया यार भाई, पटनी के बावजूद भी काफी दूर तक बाहर है, मुझे बस इसका पीछे करना है, प्लेन को मिस नहीं करना है बस। ओके अपनी बाइक को मैं फुल स्पीड बाइक बहाता रह रहा हूँ, बस एकदम प्लेन से मुझे निगाह नहीं हटानी मेरी, और इसलिए हम लोग को डेड बाइक की जरूरत पड़ी कि प्लेन रोड रोड उससे तो गिरेगा नहीं, हम लोग कहीं पहाड़ और थोड़े बहुत पत्थर पत्थर उसे भी निकलना होगा, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी हम लोग को। ओके ये प्लेन भाई बस गिरने का नाम नहीं ले रहा भाई, ऑब्जर्वेटरी से पिल्यूटर तक आ चुका ये प्लेन, लेकिन अभी तक गिरने का बिल्कुल नाम नहीं लिया। पायलट काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस प्लेन का, बिल्कुल भाई एकदम अच्छी तरीके से प्लेन को उड़ा रहा है।
ओके भाई, इसने सेंट एयरफील्ड भी पार कर चुका है ये प्लेन, और लगता है यहाँ पे गिर जाएगा ये प्लेन। आप नहीं यार, ये प्लेन गिनने का भाई बिल्कुल सोच ही ना कि गिनना भी इस प्लेन को। जैसे नीचे आ रहा भाई, फिर ऊपर चला रहा, नीचे आ रहा फिर ऊपर, वो फिर ऊपर चला गया ये प्लेन। भाई कहीं पर भी गिर जा भाई, इधर ही गिर जा, पूरी एयरफील्ड है, इधर ही गिर जा भाई। अब यार भाई, इस पायलट बहुत तगड़ा यार, मुझे तो राइट वाला इंजन इसका डैमेज है, लेकिन वो राइट साइड प्लेन झुकने नहीं दे रहा, वो लेफ्ट साइड को पूरा प्लेन झुका हुआ दे रहा है। वो सामने ट्रेन है, मुझे यहाँ से कुदाना होगा। ओ भाई ओके, तो सामने तरफ तो प्लेन भाई लगता है इधर ही बेंगे गिरेगा प्लेन के पास। ओके भाई, ये सामने लगता हाईवे के साइड जा रहा है, हाईवे पर तो नहीं गिरेगा ये प्लेन। ठीक है, अपनी बाइक को मैं फुल स्पीड भागता हूँ, क्योंकि इस प्लेन की स्पीड काफ़ी है तेज, क्योंकि इसमें ना कुछ बुलेट भी फायर करके देखता हूँ, शायद यार और जल्दी गिरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा मेरी ब्लूटूथ पर, मेरे कंट्रोल स्वीप कर रहे हैं बाइकिंग के। ओके भाई, ये प्लेन काफ़ी भाई साहब, ये कौन सा ट्रक है? आई थिंक शायद जहाँ पे बड़े बड़े इधर से उधर सामान ले जाना होता ना, वहाँ पे इसका काम आता होगा। और भाई, ये मैंने जैसे सोचा था वैसे ही है, जिस शीला जाके हाईवे पे गिर रहा है ये प्लेन जाके, तो मुझे जल्दी से अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाना होगा। भाई 100 से ऊपर में 120-130 की स्पीड में अपने फिर बाइक को भगा रहा हूँ, और ये प्लेन बिल्कुल गिरने का नाम नहीं ले रहा, बच गया भाई वहाँ से उसके पीछे से। ओके यार, रेट पे आसपास दे, हटना यार जल्दी जल्दी से यार भाई, निकल यहाँ से। ओके यहाँ पे प्लेन भाई, आज बस जाके यहाँ पे प्लेन बस गिर गया भाई। अन्य यार, ये कहाँ से निकला और कहाँ पे आके गिरा बिल्कुल भी भाई पता नहीं चलो, काफ़ी गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है इस प्लेन का, पूरा एकदम जल चुका है प्लेन। और सामने तरफ तो बंदा ही सामने की सन्ना, ये बंदा क्या है बच गया, अगर सुनी को तो मानना है ये बंदा। इसकी उस माते ने मैं फोटो दबाई थी, पहले तो नहीं लगता हूँ ये ले। ओके की मुक्ति में ढेर हो गया बेचारा, जाने कितनी थी भाई, प्लेन से एक्सीडेंट होकर निकला जस्ट अभी। ओके तो यहाँ से हम लोग लेते हैं वो ब्रीफ केस जिसमें मार्टिन के भाई डॉक्यूमेंट्स हैं। और भाई, अब तब तो सब एकदम प्लेन के हिसाब से चल रहा है, ऐसे ही हम लोग का प्लान चलता रहा तो भाई कहाँ हो जाएगा हम लोग का। तो डॉक्यूमेंट तो ड्राइवर के हाथ लग चुके हैं, अब बस मुझे ड्राइवर पहले व्हीकल को मैं फ़ोन करके बोल दूँ हाँ डॉक्यूमेंट तो मेरे हाथ लग गए हैं, अब बस मुझे भाई क्यों वैन जिससे हमने शूट किया है उस वैन को भाई हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है। तो ड्राइवर तो ये मार्टिन को दे देगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये वाली वैन को भाई डिस्ट्रॉय करना है, जिससे हम लोगों ने काम किया ताकि पुलिस को कुछ अंदाजा ना लगे कि हाँ ये सारा काम यहाँ से हुआ है। तो मुझे काफ़ी थोड़े दूर जाके यहाँ से इस वैन को फोड़ दूँगा, तो सामने की तरफ एक अच्छी लोकेशन है, यहीं पर जाके इस वैन को मैं फोड़ देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग वहाँ से, इस पर डालता हूँ मैं सब रहता हूँ ये वाला ऑयल, पूरा बैन को ना नहला दूंगा इस ऑयल में भाई, क्योंकि वो सबूत रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि वे कहाँ हमने किया, वो शायद से वो बंदा ना कोई उनका सीक्रेट एजेंट होगा, या तो भाई कोई लॉयर वगैरह ऐसे कोई बंदा होगा, इसलिए भाई उसकी ना कॉप्स को जाने तरीके से पुलिस उसकी तहकीकात करेंगे। तो मैंने ऑयल तो भाई पूरा बाहर के डाल दिया है, बस एक बुलेट मुझे करनी है फायर, और वाइस में लगेगी आप क्योंकि कुछ बाइक पर भी इस पेंट कर लेता हूँ मैं बैन पे। ओके अभी यहाँ से जल्दी से मैं सामने की तरफ से भागता हूँ, वरना भाई ये फटेगी और मेरे ऊपर आएगी। वो बंदी भाई सामने भाग रहे हैं, जैसे हटे क्यों नहीं रही यार, फट जा। ओके भाई फट चुके ये बैन, क्योंकि सामने बंदे भाग रहे हैं ऐसे, उन्हें भाई बस अलर्ट ना हो जाए बंदे, फिर इसको फ़ोन निकाल दूँ जल्दी से। मैं अपनी बाइक पर बैठता हूँ, निकलता हूँ सीधा भाई, मैं निकलता हूँ पहले तो भाई, मैं अभी ना जाने। वे यार, इस ट्रैवलर का कॉल और आ गया। हाँ तो भाई, इस मैंने ही कह रहा था कि मार्टिन मेरे पैसे भेज देगा शाम तक या कल सुबह तक, मार्टिन मेरे पैसे भेज देगा। अभी मैं जा रहा हूँ भाई न्यू कार देखने के लिए, जो मेरे को अपने शोरूम पे चाहिए, तो मैं सीधा पहुँचता हूँ उस जगह पे, यहाँ पे हम लोग अपनी कार्स को देखना है, जहाँ से हम लोग अपनी कार को या फिर ले रहे हैं। तो कहीं से जल्दी चलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे मुझे जाना है, और मार्टिन तुम मुझे पैसे भेज देगा, लेकिन हाँ मैं ट्रैवलर को भी पैसे नहीं देने वाला, ट्रैवलर की राय जब तुम्हारा दिन चल रहे तब तुम मुझे पैसे दे देना। तो खैर, अपनी बाइक को जल्दी से बाहर ले जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पे हम लोग को अपनी कार्स को देखने जाना है। और राइड वाइज तो मैं अपनी बाइक को बाहर हुआ तो ले आया हूँ भाई हाईवे पर, और वाइज थोड़ी दूर में सामने की तरफ पर वो लोकेशन है, वो मतलब वो शोरूम है बड़ा सा, जहाँ से हम लोग को अपनी कार अपने शोरूम में सप्लाई करनी है। तो भाई, मैं अपनी बाइक को भाई फुल स्पीड में बाहर हुआ तो लेने ही वाला हूँ भाई। राइट लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं वो शोरूम आ चुका है, काफ़ी बड़ा सा ये शोरूम है, ये ना मेन ना एक्सपोर्टिंग का शोरूम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारा ऐसे शोरूम से होता है पूरा लॉस सैंटोस का। जल्दी से शोरूम के पास चलते हैं, आप लोग राइट में देख सकते हैं, सॉरी लेफ्ट में जो देख सकते हैं शोरूम, ये वही शोरूम है यहाँ पे से हम लोग को अपनी कार लेनी है। जैसे हल्की से अपनी बाइक को मोड़ते हैं और भाई रोड पान तो हो गया एक में, लेकिन मुझे जाना कहाँ से शोरूम है, रास्ता भूल गया भाई। यहाँ से ना कार लेते हैं बंदे, ऐसे हम लोग को एक दुकान सुनना चाहिए, हम लोग को खूब सारी चाहिए, अच्छा ये बोलूँगा ओके एक दुकान नहीं चाहिए हम लोग को ना, पूरी कार चाहिए, तो हम लोग पहले देखनी पड़ेगी कंफर्म पानी पड़ेगी कौन सी कार। मैंने एक बंदा भी रखा हुआ है, ये रहा वो बंदा भाई, ये हमें बताएगा कार कहाँ पे, ये बोल रहा है ना नीचे की तरफ पे जाओ बंगल में है, वहाँ पे कार सारी कार रखी हूँ भाई, एक बार देख तो भाई ये पूरा रिपेयरिंग का काम करते हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर यहाँ पूरी कार रिपेयर होती है, और अंदर भाई न्यू कार ये लोग बेचते हैं।
तो यहाँ से भाई नीचे नीचे बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट में ये सारी कार लगते हैं भाई दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद जैसा हम लोग ऑर्डर लेने देंगे, जैसा ऑर्डर देंगे ना ये वैसा ऑर्डर हम लोग को शोरूम पे दे देंगे। तो अभी तो पहले देखते हैं भाई कार आज नीचे तो आ गया, मैं सोचा किस तरह से जाना है। ओके गाइस, ओ भाई साहब यहाँ पर लैम्बोर्गिनी टैडो रखी हुई बगल में। खैर अभी तो ये नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम लोग लेंगे तो लैम्बोर्गिनी भी काफ़ी सारी, लेकिन इसमें तो भाई लैम्बोर्गिनी टैडो में और ये सियान रखी हुई है। सियान में तो भाई हम लोग कुछ पैसे चले जाएंगे थे मारते नदी हैं, फिर ये नहीं एक बार हम लोग का पेशेंस चलने लगे तो इन्हें भी रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये वाली एक कार मैं कंफर्म करने की सोच रहा हूँ, ये थोड़ी सस्ती भी है भाई काफ़ी ज्यादा अच्छी भी कार है, तो ये कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। आप इस चीज लैम्बो अपनी क्योंकि नाम याद नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे वो डिफेंडर भी है, तो ये डिफेंडर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। और डिफेंडर के साथ साथ एक ये कार कौन सी है, एक भाई ये वाली तो नहीं, और ये भाई सामने तो भाई फोर्ड है यार ये तो। चलो ये उरुस कंफर्म कर लेता हूँ, उरुस भी काफ़ी ज्यादा सही कार है और उससे भी काफ़ी दवा का फायदा होगा। तो मर्सिडीज जी वैगन भाई इसे भी कंफर्म कर, वो भी सामने लोअर वर्ल्ड और ऐसे उससे तो भाई भी ले नहीं सकते भाई, पूरा फ्रेंड था मैं शायद, हाँ फ्रेंड था मेरी रोज फ्रेंड था मैं, तो अभी इसे तो ले नहीं सकते वही तब पैसा चलाएगा। लेकिन हाँ जल्दी हम लोग इसी भी लेंगे एक बार सारी कार बिंच है, जल्दी से मैं इस बंदे से बोल देता हूँ कि ये सारी कार मेरे शोरूम पे पहुँचा दे। तो ऐसे ये बंदा बोला है तुम जाओ कल तक या शाम तक तुम्हारे पास सारी कार तुम्हारे शोरूम में पहुँच जाएंगी, वो पेमेंट मैंने इससे बोल दिया जैसे शोरूम पर मेरी कार पहुँचेंगी मैं तुम्हें दूरी को दूरी पेमेंट कर दूँगा। चलिए बोल रहा है ठीक है, तो हम लोग जल्दी से भाई पहले तो मैं चलता हूँ ऊपर भाई, ऊपर निकल के भाई हम लोग ये चलेंगे फिर लॉस सैंटोस, क्योंकि ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भाई माइकल थका हुआ है, इसलिए भाई लॉस सैंटोस जाके भाई हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा निकलेंगे अपने शोरूम के लिए। और राइट गाइस, तो भाई मैं वहाँ से अपनी गाड़ी को बाहर हुआ चले आया हूँ लॉस सैंटोस भाई, वहाँ से आते आते ना मुझे पूरी रात हो चुकी है और माइकल भाई थका हुआ है, तो भाई पहले तो चल के सोते हैं भाई, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा हम लोग चलेंगे हमारे शोरूम के लिए। और भाई मैं ना काफ़ी अंदर एक्साइटेड हूँ भाई नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, क्योंकि हम लोग के भाई शोरूम में न्यू कार आ रही है, हम लोग का बिजनेस काफ़ी दबा के बढ़ेगा उन कार की मदद से। तो हम लोग अपने घर पर तो आ चुके हैं, हम यहाँ से वही लेते हैं हल्का सा राय लेफ्ट और चलते हैं अपने घर में, वही पहले चलते हैं सोने के लिए। और या तो कार देखो अभी सुबह सुबह आ जाएंगी 5 या 3 बजे पे, या तो सीधे सुबह या तो फिर 10 बजे के समथिंग आएंगी सुबह, लेकिन हाँ 5-3 बजे की भी आ सकती है वो समथिंग, जब जैसे वो बंदा आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई आज का दिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज भाई हम लोग के शुरू में वो कार आई है जो हम लोग ने मंगवा रही है। तो भाई जल्दी से भाग के मैं चलता हूँ पहले तो नीचे, और नीचे रेडी होने के बाद सीधे चलते हैं भाई अपने शोरूम में देखने के लिए कौन सी कार हम लोग जो कार हम लोगों ने मंगवाई है वो कार भाई आ चुकी है। और बैनी से मैंने कहा उनका थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करा था, तो बैनी उनका को थोड़ा बहुत पिन पर मॉडिफाई कर देगा अपने लेवल का। ठीक है, अपनी बाइक पर तो हल्का सा यहाँ से मुड़ के और जल्दी से चलते हैं भाई हमारे शोरूम पे। और भाई सच्ची बोल रहा हूँ ना आज बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, तो अपनी बाइक पर तो फुल स्पीड भाई एकदम खींच के भाई भगाऊंगा और जल्दी से चलते हैं हमारे शोरूम पर। तो ओके राइस, तो यार यहाँ से तो अपनी बाइक को मैं भगाते हुआ काफ़ी ज़्यादा दूर ला चुका हूँ हम लोग का शोरूम, आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ हम लोग का शोरूम है। तो जल्दी से अपने शोरूम पे चलते हैं। वाई मोर तो नजर आ रही बाहर हम लोग की कार रखी हुई है जी वैगन और डिफेंडर, मतलब बैनी ने जी वैगन डिफेंडर तो बाहर रख दी, सही है भाई जी वैगन डिफेंडर तो बाहर ही रखा, लेकिन लुका था शोरूम का। और अंदर साइड से मेरे ख्याल से हाँ अंदर से सुपर कार रखी हुई है बैनी ने अंदर, वो भाई इसमें क्या मॉडिफाई किया है, जो कार फाइन है कुछ ही कारों को से मॉडिफाई किया बैनी ने, एक ये वाली कार इसमें मॉडिफाई की है जो ब्लैक और वाइट पेंटर ने ये मॉडिफाई की वाई जाएगी, लेकिन हाँ ये वाली पक्की मॉडिफाई की है बैनी ने, और एक येलो वन की। और भाई यार उरुस ओके, तो मैं बहन से जल्दी से पहले बात कर लेता हूँ। और राइट गाइस, मेरी बहन से बात हो चुकी है, ये बोल रहा है हाँ उस बंदे ने मुझे कार दे दी और पेमेंट भी हो गई इस गंदे की। तो और राइट गाइस, सच्ची मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक गुड बाय टेक केयर। आप लोग हाँ वो इस कमेंट में आते जरूर बताना आपकी फेवरेट कार कौन सी है इन सारी कारों में से, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।